यार मेरे बॉस कहाँ तुम? आदाब। आदाब। अरे अरे यार उठ के पकड़ो अपने छोटे को। अरे इमरान कैसे हो यार? कैसे हो बॉय? यार क्या बताऊं इमरान, पिछले कई दिनों से मैं सो नहीं पा रहा। मेरी जिंदगी में कुछ तलातम आ गया। मुझे नहीं पूछो कि मेरी जिंदगी में जो तफान आ चुका है, मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। अपने भाई को नहीं पूछोगे? क्यों नहीं पूछूंगा, क्या हुआ, नींद कहाँ उड़ी? बस पिछले दिनों से नूरा फती आपके छोटे भाई को प्रपोज कर रही है। ओहो मैंने कहा पहले मैं अपने बड़ों से बात करूंगा, मैं इसका कोई आंसर दूंगा। मैंने उसे कहा कि कोई ऐसा वेन्यू तलाश कर लेते हैं। उसने कहा दुबई आ जाओ, दुबई के बीचों बीच किसी बीच पर बैठ के हम अपने बीच की जो बातें हैं वो कर लेंगे। और मैंने कहा बस एहतियात करना, आजकल स्क्रीन शॉट का दौर है। तो अब मेरे भाई बन के आपने जाना, नूरा फती आपके भाई के साथ कैसी जचेगी? उम्र हो गई है, हुण शादी क्यों करनी है? को कबरां दे नवे डिजाइन देखो। अभी मैंने देखा क्या है? आपने वाकई कुछ नहीं देखा, नहीं देखा। क्योंकि जब आप उस जानिब देखेंगे, अरे ये लिए तो नूरा फती के लिए थे, लेकिन ये आपके हुए, रखिए। पुराने चावल और पुराने लोग बहुत उम्दा होते। एज नहीं मालूम, नहीं मालूम। जेंडर एंड लोकेशन MIRC आप, क्योंकि हम जरा पुराने हैं, MSN मैसेंजर आप या फिर MIRC में जब भी कोई लड़की किसी लड़के से पूछते थे ASL प्लीज। ये यंग लड़कों में आजकल ऐसी बातें होती है ना। अच्छा, आप करते हैं ये बातें? ऐसी बातें होती है, नो वंडर मुझे नहीं पता। मैं चाह रहा था अगर कोई पाकिस्तान में मुझे प्रपोज कर देता तो शायद मैं अपना इरादा बदल देता। मगर 5 दिन है यहाँ, अगर कोई मुझे प्रपोज कर दे तो फराज रुक जाएगा, वरना फराज के अंदर चला जाएगा। रुक जाए ठीक है, तैयारी कर ले। अरे कोई धुन बजाओ, 6 वाली शादी वाली धुन बजाओ। दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, दे सांदा बाबा साडा पता नहीं है प्यारा। शर्म नहीं आ रही उनको? अमड़ी दे दिल दा इशारा ते बाबा साडा थोड़ी चढ़ना। मैं जिस सस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ,